हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पीएसयूज और डिफरेंट आरआरबी और एसएससी इस प्रकार के एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। ओके, तो आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जितने भी एटीएम भारत में हैं उन सबको लिंक करता है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन ए है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ऑप्शन बी दे रखा है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और ऑप्शन सी है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, एंड ऑप्शन डी दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मींस आरबीआई। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपका जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो इंडिया में जितने भी एटीएम्स हैं उन सबको आपस में लिंक करता है। ठीक है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन रीज़न देखते हैं, ऐसा क्यों है। तो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी एनएफएस इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स ATMs इन इंडिया। ओके, तो आपका जो NFS है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कि ATM से रिलेटेड, ओके, इन इंडिया में। इट वॉज डिजाइंड डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड बाई द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ओके, तो IDRBT के रिगार्डिंग जो आपका ये बना, इसके लिए बनाया गया है, ये डिजाइन किया गया है। ठीक है, इन 2004 विद द गोल ऑफ इंटर कनेक्टिंग द ATMs इन द कंट्री एंड फेसिलिटेटिंग कन्वीनियंस बैंकिंग। ठीक है, तो IDRBT के रिगार्डिंग जो आप ATMs आपस में जितने भी इंडिया में ATMs हैं उन सबको NFS के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जिसका बनाने का उद्देश्य यह है कि इंटर कनेक्टिंग द ATMs और कंट्री में जो ATM की फैसिलिटी है वो कन्वीनियंट, आसानी, सुलभ तरीके से सिटीजन्स तक पहुंच सके। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बनाया गया है। इट इज रन बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। ओके, तो आप ये नोट पॉइंट देख सकते हो, इट इज रन बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं आप शॉर्ट में कह सकते हैं NPCI। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। तो जितने भी रिटेल पेमेंट्स के रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो सभी अम्ब्रेला एक्टिविटी में आती हैं, तो ये अम्ब्रेला एक्टिविटी एज ए NPCI हैंडल करती है। ठीक है, इट वॉज सेट विद द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA। ओके, तो ये जो आपका NPCI है ये गाइड एज ये बनाई गई है अंडर गाइडेंस और सपोर्ट ऑफ RBI एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA। IBA और RBI के सपोर्ट और गाइडेंस में ये काम करती है। ठीक है, NPCI, इसलिए हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये अभी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन GPS टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। तो GPS मीनिंग होता है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, GPS का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसमें ऑप्शन दे रखा, पहला है मोबाइल फोन ऑपरेशंस, दूसरा है बैंकिंग ऑपरेशंस, तीसरा है कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स। इसमें से आपको सेलेक्ट करके बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। तो बिलो, तो आपका ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट में वन ओनली, बी में टू एंड थ्री ओनली, सी में वन एंड थ्री ओनली, और ऑप्शन डी में वन टू थ्री। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन वन टू थ्री करेक्ट है। ठीक है, ये आपका GPS सभी स्टेटमेंट में यूज होता है, यानी GPS आपका मोबाइल फोन ऑपरेशन में यूज होता है, GPS आपका बैंकिंग ऑपरेशन में यूज होता है, एंड GPS आपका कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स में भी यूज होता है। इस तरीके से ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपका GPS हर जगह यूज होता है, चाहे वो आपका मोबाइल फोन ऑपरेशन हो, चाहे वो आपका बैंकिंग ऑपरेशन हो, या आपका कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन
अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस रिलायबल और इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो आपका PCS हो या SSC RRB किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं PCS और UPSC में, तो ये आगे कई एग्ज़ाम्स में आने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, तो आप इनको शेयर कर देना। और आप चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार के वीडियोस में जो शेयर करता हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन इमीडिएट पहुँच जाए और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।